ओके, गुड इवनिंग गाइस, एम आई लाइव? क्या मैं लाइव हूं दोस्तों? फटाफट चेक कर लो, मुझे बता दो क्या मैं लाइव हूं। आप मुझे देख सकते हो क्या, सुन सकते हो क्या? गुड इवनिंग गाइस, एम आई लाइव? कैन यू सी मी ऑल ऑफ यू? देख सकते हो मुझे सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। सो गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? दिव्या जी गुड इवनिंग, हाय रीना, हाय गौरव, खुशराज, विकास कुमार, आदिनाथ, श्रेया रोला, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग सर, फैंटास्टिक, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव शोड ऑन मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टू कम ओवर हियर एंड गेट कनेक्टेड to not just an academy but to a revolution. Yes, my dear friends, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, आप जैसे हजारों बच्चों के लिए गुड न्यूज है। अन अकेडमी अब बहुत ही जल्द लेके आ रहा है एक डेडिकेटेड चैनल। लेके आ रहा है मतलब क्या सर? लेके आ चुका है, सही कहा। अन अकेडमी हैज गॉट डेडिकेटेड चैनल फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, माई डियर फ्रेंड। बिल्कुल नया ब्रांड न्यू चैनल लाए हम आप लोगों के लिए, अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। चाहे आप 11th से हो या आप 12th से हो, आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स, जो जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग यहां लेके आएंगे इस चैनल पे। लेकिन इस चैनल को लॉन्च करने के लिए या उस चैनल पे जाने के लिए 15 अगस्त से ज्यादा नोबल डे क्या हो सकता है, क्योंकि उस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे। जब 15 अगस्त को हमें हमारे देश में आजादी मिली है, क्यों ना हम 15 अगस्त को एक नई स्वतंत्रता को एंजॉय करें, एक नए इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम इस 15th अगस्त को एक रेवोल्यूशन से जुड़े, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर चैनल। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो एंड क्विकली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी से जल्दी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मानना है एजुकेशन इज अवर बर्थ राइट, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड नो वन शुड रिमेन डिप्राइव, और कोई उससे डिप्राइव नहीं होना चाहिए। तेज तेज लिखते हैं, सर आई एम नाउ इन 11th स्टैंडर्ड, आई वांट टू डू सीए कोर्स, इज अ वेरी टफ कोर्स। मुझे पता है तेज, मैं आपसे पूरी तरह एग्री हूं, सीए कोर्स से मुश्किल कोई कोर्स नहीं हो सकता। ऐसा मुझे भी लगता था जब मैं आपकी जगह था 11th स्टैंडर्ड में, वे बैक इन 2004 व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, मुझे भी यही लगता था। बिकॉज आप लोगों की तरह, शायद आप में से काफी लोगों की तरह, मैं भी एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली से, एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां दूर दूर तो कहीं कोई सीए नहीं है, नहीं था, लेकिन मैंने शुरुआत की और यहां पे आज आपके सामने खड़ा हूं एज सीए सीएस अंशुल अग्रवाल। आज मैं यहां प्राउड से आपके सामने कह सकता हूं, आई एम नॉट जस्ट अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ऑल्सो फर्स्ट अटेम्प्ट कंपनी सेक्रेटरी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, लीडर ऑफ अन अकेडमी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड 11th एंड 12th कॉमर्स। और मैं सबको एक चीज कहता हूं, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर, अगर आप में मेहनत करने की तैयारी है तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। और यही मेरा आज का मोटो है। आज का जो हमारा सेशन है ना, कि बड़ा ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आज का जो हमारा सेशन है, ये सिर्फ 11th या सिर्फ 12th के लिए नहीं, एकदम जनरल सेशन है। तब क्या होता है जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास होता है, he has lot of questions in his mind. I'm here to give you answer for all those questions today. मैं यहां पे आपको आज उन सारे सवालों का जवाब देने आया हूं। मैं यहां आया हूं अपनी ये पूरी टीम के साथ, द बाहुबली टीम के साथ, जिसने ये प्रूफ कर दिया है
हाँ दोस्तों, पिछले 2 महीने में हमने ये प्रूफ कर दिया है कि भाई अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अगर बच्चों को दी जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट भी अपलिफ्ट हो सकता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम हियर। सर क्लास 11 का फुल कोर्स होगा? यस, पूरा कोर्स होगा। आज का जो हमारा सेशन है हम बहुत बहुत मजे से पढ़ाई करेंगे, सही बता रहा हूँ, मजे से मिलेंगे, रोज बातें करेंगे, पढ़ेंगे, जितना नॉलेज मेरे पास है मैं वो पूरा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सही बता रहा हूँ, शेयर कर दूंगा, और आप लोगों को एक ट्रू प्रोफेशनल बना के ही छोड़ूंगा, करेक्ट। तो दोस्तों करते हैं हमारे सेशन की शुरुआत। ध्यान रखिएगा इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में अगर आप उसको थोड़ा अलग तरीके से देखो तो इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में आपको देखेगा आई एम पॉसिबल, मेरे ऊपर यहां लिखा है आप देख सकते हैं, करेक्ट। चलो दोस्तों करते हैं शुरू। ये सफर कहां शुरू हुआ था? Where this journey started all about? This journey started after you guys have passed your 10th standard. तब जब आप अपना 10th standard का examination पास कर चुके थे तब आप एक क्रॉस रोड पे खड़े थे, एक ऐसे मुकाम पे खड़े थे जहां आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, primarily three. Should I select science? Should I select commerce? Or should I select art? Confused state of mind. मम्मी पापा से बात की होगी तो मम्मी पापा का अपना एक अलग जवाब था, क्योंकि पहले जमाने में इसी को बेस माना जाता था। मम्मी पापा कहते थे कि बेटा हमारे समय में, पुराने जमाने में, अगर कोई बच्चा 75% के ऊपर लाता है ना तो वो पक्का कंफर्म साइंस लेता था। इफ अ स्टूडेंट वॉज गेटिंग अबाउ 60 बट लेस देन 75 तो ये कॉमर्स ले लेता था, लेकिन अगर कोई बच्चा 60 से कम लाता था तो वो आर्ट्स ले लेता था। ये मेरे मम्मी पापा ने कहा है, ये आपके मम्मी पापा भी कहेंगे, बैठो उनके साथ बात करो, समझो उनसे, आज ये पूरी बात समझो, यही चीज वो आपसे कहेंगे। बट आपको पता है अब जमाना चेंज हो चुका है। Now people have become more and more smart. People have become conscious about their career. People are aware now. The scope, opportunities have increased tremendously. अब बच्चा अपने मन से आर्ट्स लेता है, अब बच्चा अपने मन से चॉइस से कॉमर्स लेता है, क्योंकि अब ये सब चीजें मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है। 99% लाने वाला भी बच्चा आप साइंस को छोड़ के कॉमर्स सेलेक्ट कर रहा है, ये है हमारा कॉमर्स। किसे पता था, किसने सोचा था कि एक दिन ये कॉमर्स इतना आगे निकल जाएगा और ये साइंस देखता रह जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। नहीं तो साइंस हमेशा आंखें फाड़ के इंतजार करता था कि वो सारे बच्चे जो 70-80-90% ला रहे हैं वो मेरे पास आएगा। वो हर बच्चा इंजीनियर बनेगा, हर बच्चा डॉक्टर बनेगा। अरे कितनों को बना लोगे इंजीनियर, कितनों को बना लोगे डॉक्टर, बताओ मुझे। हाउ मेनी इंजीनियर्स विल यू मेक, हाउ मेनी डॉक्टर्स विल यू मेक, वेयर विल यू गेट जॉब फॉर देम, कहां से लाओगे इतनी जॉब, कहां से लाओगे एम्प्लॉयमेंट। कॉमर्स ने अपना रास्ता अलग से ही बना लिया और मैं ये गर्व से कहता हूं, मैं ये प्राउड से कहता हूं दैट मैं दिल से एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं, और आप लोगों को भी इस चीज का प्राउड होना चाहिए कि हम दिल से एक कॉमर्स स्टूडेंट है। वी आर प्राउड टू बी कॉमर्शियन। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माई डियर फ्रेंड्स, जब आप इस क्रॉस रोड पर आए होंगे, कई लोगों से मिले होंगे, कई तरीके के सजेशंस लिए होंगे, कई लोगों से बातें की होगी, बहुत सारे फैक्टर्स आपने कंसिडर किए होंगे, कौन से फील्ड में जाना, कैसे जाना। हम बहुत छोटे होते हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए हम बहुत छोटे होते हैं, समझ नहीं आता है कि हम एग्जैक्टली करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। इजंट इट, टेल मी, जो मेरे सारे फ्रेंड्स 11 स्टैंडर्ड से, बताओ मुझे, डू यू एग्री विद मी और नॉट, फटाफट जवाब दो मुझे। मेरे सारे 11th स्टैंडर्ड के फ्रेंड जो यहां पे है, मेरे सारे दोस्त जो यहां पे है, फटाफट जवाब दो मुझे, डू यू एग्री विद मी और नॉट। व्हेन यू हैव चोजन कॉमर्स यू वुड हैव गॉट मेनी पीपल टू से नो, यू वुड हैव गॉट मेनी पीपल हु वुड हैव एम्फसाइज, बेटा तू मेडिकल में जा, बेटा तू इंजीनियरिंग में जा। यू वुड हैव गॉट पीपल हु वुड हैव आस्क्ड योर मार्क्स, मार्क्स पूछे होंगे आपसे,
और फिर आपसे कहा होगा, नहीं बेटा तू तो कॉमर्स कर ले, जमाना बदल गया है। मैं उन सारे लोगों को जवाब देना चाहता हूं, आली रे आली आता माझी बारी आली, आली रे आली आता माझी बारी आली, क्योंकि आता माझी सटकली। कॉमर्स हैज बिकेम अ चॉइस नाउ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कॉमर्स हैज बिकेम अ चॉइस नाउ। अब हम मजबूरी में जीने वाले नहीं हैं, अब हम मजबूरी में जीने वाले नहीं हैं, अब हम गर्व से प्राउड से जीने वाले हैं। वी आर कॉमर्शियंस। व्हाट आर वी? वी आर कॉमर्शियंस। समझ में आ रहा है? इंडिया का टॉप मोस्ट कॉमर्स का कॉलेज कौन सा है? क्या आप मुझे यह फटाफट जवाब दे सकते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर लाइव चैट। इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है? कॉमर्स का टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है? इंडिया का टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज कौन सा है? सुनिधि कह रही है मुझे सबने एंकरेज किया था। फैंटास्टिक सुनिधि, फैंटास्टिक। क्रिश कह रहा है मुझे भी एंकरेज किया था, बहुत बढ़िया बात है यार, चलो फैंटास्टिक। इंडिया का टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज कौन सा है? यस माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू साइट इट्स नेम, SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इंडिया टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज। गूगल करके देख लेना, वॉट इज द कट ऑफ टू गेट एडमिशन इन SRCC? कितने परसेंट मार्क्स चाहिए टू गेट एडमिशन इन SRCC? पता कर लेना, पता चल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? पता कर लेना ऑनलाइन, समझ में आ जाएगा। ऐसे वैसों को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कॉमर्स हैज बिकम अ चॉइस नाउ, सो आई वेलकम यू ऑल टू द कॉमर्स फ्रेटर्निटी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मे बी वी डिडंट ever understood or try to understand because we were very small that time. बहुत छोटे थे हम उस समय जब ये चीज हमें समझना था। Which college is best for CA course? Unknown player ने सवाल पूछा है। Unknown player, सारी information मिलेगी बेटा आपको, चिंता ही मत करो। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, बट अभी फोकस करो, बिल्कुल फोकस करो। वन लाइन में आपका आंसर दे दूं, CA का कोई कॉलेज नहीं होता है। CA is not conducted by any college. चलो फोकस करते हैं। एक ऐसा डिसीजन जो शायद हमारे पेरेंट्स ने लिया था और हमें नहीं पता था कि हमें कौन से बोर्ड से पढ़ाई करनी चाहिए। Which board should we select? समझ में आ रहा है? Which board should we select? So इंडिया में अलग अलग बोर्ड्स कौन से अवेलेबल है? तो सबसे पहले है बेटा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वन ऑफ द हाईली रिकग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, वन ऑफ द बेंचमार्क बोर्ड इन इंडिया। द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ये सब इंडियन बोर्ड्स हैं। देन कम्स द स्टेट बोर्ड्स। हर स्टेट का अपना बोर्ड है, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, UP, हर स्टेट का अपना अलग बोर्ड है। अब ये जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, समझना मेरी बात, क्योंकि मैं आपके पहले के कमेंट्स पढ़ रहा था, जो अखिलेश सर के वीडियो के कमेंट्स थे, जो श्रेय सर के वीडियो के कमेंट्स थे, कि यहां पे आप लोग इस चैनल पे कौन से बोर्ड की पढ़ाई करवाने वाले हो, तो वो सारे सवालों का जवाब मैं यहां पे आपको दूंगा, सारे सवालों का जवाब यहां दूंगा। बस सिर्फ 40 मिनट्स का पेशेंस चाहूंगा आपसे, 40 में से एक्चुअली रियली स्पीकिंग 30 मिनट्स बचे हैं। अब इंडिया में इन तीन बोर्ड्स के अलावा और एक बोर्ड अवेलेबल है, उसका नाम है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में, बट आज के बाद नहीं, आज के बाद पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हर बच्चे को इंडिया में पता होगा कितने बोर्ड्स हैं, ये इंडियन बोर्ड्स हैं। इसके अलावा इंडिया में कुछ इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं, जैसे कि ये आपके सामने है IB, IGCSE एंड कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। इतने सारे बोर्ड्स हैं इंडिया में, हमें पता भी नहीं था, कभी हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था, बट है दोस्तों। अलग अलग बच्चा अलग अलग बोर्ड से पढ़ता है, अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। अब सवाल ये है विच इज द बेस्ट, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ ज्यादा बेटर है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो आपको सूट कर जाए वो सबसे बेस्ट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव को सूट कर जाए वो सबसे बेस्ट है।
जैसे कि आईसीएसई फोकसेस मोर ऑन लैंग्वेजेस, आईसीएसई लैंग्वेजेस पे ज्यादा एम्फसिस करता है, सीबीएसई ओवरऑल बैलेंस करता है, वेदर इट इज लैंग्वेजेस, वेदर इट इज मैथमेटिक्स, साइंस, एवरीथिंग एवरीथिंग, और हर स्टेट बोर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से काफी बच्चे यहां लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, आई एम फ्रॉम सीबीएसई, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं उन सभी बच्चों को यहां जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि सभी बच्चे आपसे एक सवाल पूछेंगे कि सर आप लोग अन अकेडमी 11th एंड 12th के चैनल पे कौन से बोर्ड के हिसाब से पढ़ाने वाले हो। मैं सभी बच्चों को यहां जवाब देना चाहता हूं, बेटा चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, वेदर इट इज सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, एनआईओएस, एनी 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 बोर्ड, चाहे वो इंटरनेशनल बोर्ड्स ही क्यों ना जो यहां आपको दिख रहे हैं, एक चीज सब में कॉमन है और वो है सिलेबस। 95% सिलेबस ऑफ ऑल द बोर्ड्स आर कॉमन, 90-95%, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये सच बोल रहा हूं बेटा, 90-95% सिलेबस हर बोर्ड का कॉमन है। तो सर वेरिएशन का है, वेरिएशन का है, एक हाथ कोई टॉपिक किसी बोर्ड में होता है, किसी बोर्ड में नहीं होता है, एग्जाम पेपर का फॉर्मेट किसी बोर्ड का अलग होता है, किसी बोर्ड का अलग होता है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल हर बोर्ड का अलग होता है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बेसिक्स और टॉपिक्स कहीं चेंज नहीं होंगे, और इस चैनल पे हम लोग वही करने वाले हैं, समझ में आ रहा है, इस चैनल पे हम वही करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, देयर इज अ टॉपिक नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये टॉपिक सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, मैक्सिमम स्टेट बोर्ड, रादर आई वुड से एवरी स्टेट बोर्ड कवर दैट टॉपिक, ये टॉपिक हर स्टेट बोर्ड में, तो क्यों ना हम इस टॉपिक को एक यूनिफॉर्म, एक नेशनल, एक जनरलाइज तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक आगे चल के सीए में भी है, सीएस में भी है, सीएमए में भी है, हर जगह है ये टॉपिक। तो ये जो चैनल बनाया ना अन अकेडमी का 11th और 12th कॉमर्स का चैनल, ये चैनल किसी भी चीज में कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं करता है, नो पार्शियलिटी एट ऑल। हम लोग यहां पे जनरलाइज पढ़ाएंगे विद एन एम्फसिस ऑन सीबीएसई। अब आप पूछोगे सवाल, सर सीबीएसई पे एम्फसिस क्यों? क्योंकि बेटा ये जितने भी स्टेट बोर्ड्स है ना, ये जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, ये सब अपना सिलेबस डिसाइड करने के लिए सीबीएसई को बेंचमार्क कंसिडर करते हैं। I used a different word, एक नया word मैंने यहां use किया है ना बच्चों, what is that word? Benchmark, क्या word use किया है? Benchmark, क्या मतलब होता है benchmark का? Point of comparison, benchmark means point of comparison, so हर स्टेट बोर्ड, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, कर्नाटका, कोई भी बोर्ड के ना, वो अपना सिलेबस कभी भी सीबीएसई के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है और उसको एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन लेता है कि अच्छा सीबीएसई में अगर 11, 12 में इतना इतना सिलेबस है तो मुझे भी एटलीस्ट आई हैव टू कीप इट क्लोज टू सीबीएसई, एंड दैट इज व्हाई आई विल से दिस चैनल वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी जनरलाइज्ड स्टडीज बट मोर एम्फसिस ऑन सीबीएसई। समझ में आ रहा है? ज्यादा एम्फसिस हम किस पे करने वाले हैं? सीबीएसई पे करने वाले हैं, चाहे वो बैंक रिकंसिलेशन हो, रेक्टिफिकेशन हो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट, सिंगल एंट्री, कुछ 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 भी क्यों ना हो, कोई भी बोर्ड उठा के देख लो, हर बोर्ड में आपको यही मिलने वाला है, हर बोर्ड में यही मिलने वाला है, कहीं कोई चेंज नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समझ रहे आप? बहुत बड़ी बात है बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं हम लोगों से जुड़े रहो। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना बेटा, फटाफट जाके हमारे 11 12 चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। नाउ लेट मी गिव यू द बर्ड आई व्यू ऑफ द क्यूरिकुलम ऑफ सीबीएसई बोर्ड। जैसा मैंने कहा है, सारे स्टेट बोर्ड सीबीएसई को अपना बेंचमार्क मानते हैं, सो क्यों ना हम इसको समझ ले, एटलीस्ट समझ ले कि अच्छे से होता क्या है, और जितने भी मेरे सीबीएसई के दोस्त हैं उनके लिए तो एब्सोल्युटली 100% रेलेवेंट ही है। सीबीएसई का हम देख रहे हैं रिवाइज्ड क्यूरिकुलम विच दे हैव अनाउंस फ्यू डेज बैक फॉर द अकेडमिक ईयर 2020-21। नाउ ये जो आपका क्यूरिकुलम है कॉमर्स का, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का, इट्स एप्लीकेबल इवन टू 12th ऑल्सो, यहां पे आपको चॉइस दी जाती है। ये जो रिवाइज क्यूरिकुलम, इट इज बेस्ड ऑन द फंड ऑफ 4+1,
Now what does this 4 plus 1 means? 4 plus 1 means there are 4 compulsory subjects. What are those 4 compulsory subjects? English. The first foremost compulsory subject is English, followed by accountancy. It's a core subject, accountancy, followed by economics, and then followed by एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं उसे बिजनेस स्टडीज कहा जाता है, BST stands for business studies, कहीं उसे OC कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, कहीं उसे OCM कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. मॉरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, पैकिंग नहीं है, समझ रहे हो, पैकिंग नहीं है. So that's very important. CBSE का फंडा बेस्ड होता है 4 plus 1 पे, जहां आपको ये चार कंपल्सरीली सब्जेक्ट्स पढ़ना ही है. इसके अलावा आपको एक लंबी लिस्ट मिलती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की. Not less than 8 to 9 subjects you have with you for an option. उसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है. Where you have mathematics, where you have Hindi, where you have information practice, that is IP, you have computer science, that is IT, फिर psychology होता है, physical training होता है, बहुत सारे subjects होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे subjects होते हैं. So आपके ऊपर है, आप किस subject को optional subject select करना चाहते हैं. Obviously, not just you, it even depends, you know, आप जिस school में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से subjects offer कर रहे हैं, वहाँ पे भी depend करता है. तो CBSE का फंडा 4 plus 1 पे. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी मेरे दोस्त हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से किया है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे भी आप यहां देख सकते हो, यू हैव ऑल द सेम सब्जेक्ट्स. एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको होता है जिसका नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो CBSE में नहीं है, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में होता है. देयर इज अ सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, करेक्ट. सो दैट इज हाउ द एंटायर बर्ड आई व्यू इज. If you visit the CBSE website, जो मैंने आपको यहाँ दिखाई, it's www.cbseacademic.nic.in. If you visit this website, yes, SP is not compulsory, it is an optional subject to mathematics in Maharashtra. I have chosen SP. Okay, now if you look at that, आपको ये page मिलेगा. जब आप वो website पे जाते हो, you'll get to come on this page, जहाँ पे आपको सारे subjects दिख रहे हैं, options दिख रहे हैं, और यहाँ accountancy आपको दिख रहा है. जब आप इस accountancy को click करेंगे ना, तो एक PDF document open होगा, जहाँ पे 11th और 12th standard का पूरा syllabus आपको दिया गया. Let's have a quick look on 11th standard accountancy syllabus. What is the course structure of 11th standard accountancy? किस तरीके से डिजाइन गया गया है पूरा स्ट्रक्चर. सो यार, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. पार्ट ए विच इज फॉर 52 मार्क्स, पार्ट बी विच इज फॉर 28 मार्क्स, एंड पार्ट सी विच इज फॉर 20 मार्क्स. इफ आई कंबाइन पार्ट ए एंड बी टुगेदर, सो दैट बिकम्स 80 मार्क रिटन पेपर, एंड देन 20 मार्क इज फॉर प्रोजेक्ट. तो जैसा मैंने कहा है, ये जो सेगमेंट होता है ना कि पेपर कितने मार्क्स का होगा, इंटरनल बाइफर्केशन क्या होगा, ये हर स्टेट का अलग होता है, ये हर स्टेट का अलग होता है, बट वो हमें पढ़ने से नहीं रोक सकता, समझ लेना. दैट कैन नॉट स्टॉप अस फ्रॉम स्टडिंग. आर यू एग्रीइंग विद मी? डू यू एग्री विद मी? फटाफट जवाब दो यार, एक्नॉलेज करो फटाफट. डू यू एग्री विद मी? कोई भी पेपर स्ट्रक्चर हो, क्या वो हमें पढ़ने से रोक सकता है क्या? फटाफट जवाब दो. कैन इट स्टॉप अस फ्रॉम स्टडिंग? वेरी गुड आंसर है नो. आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं. कोई भी पेपर स्ट्रक्चर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन देख लेते हैं सीबीएसई का पेपर स्ट्रक्चर क्या है. तो सीबीएसई का पेपर स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा कि पार्ट ए जो है यहां पे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कवर किए हैं, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. तो 11th स्टैंडर्ड में बच्चा जब पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ता है अकाउंटेंसी, उसे पता भी नहीं होता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक तो हमारी जर्नी बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग तरीके से चलती है. 10th स्टैंडर्ड तक की जो हमारी जर्नी होती है वो साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस, इसके आसपास घूमती है. लेकिन 11th स्टैंडर्ड में वी आर इंट्रोड्यूस टू होस्ट ऑफ द न्यू सब्जेक्ट्स. OCM, बिजनेस स्टडीज कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, अकाउंटेंसी कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, बट हमें यहां पढ़ना है, हमें इसे देखना है, समझना है. सो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया गया है. 52 मार्क्स का वेटेज है यहां. नेक्स्ट 28 मार्क्स पार्ट बी कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग. हाउ डू वी यूज कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग? सो टू बी स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर लाइक टैली,
टैली जैसे सॉफ्टवेयर की बात होती है और जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एसएपी एआरपी सॉफ्टवेयर्स उनके बारे में बात की जाती है, स्प्रेडशीट के बारे में बात होती है, स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल के बारे में हम वहां बात करेंगे। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजों के बारे में हम वहां बात करेंगे पार्ट बी में। और पार्ट सी होता है प्रोजेक्ट वर्क। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जहां पे बच्चा सिर्फ एकेडमिकली नहीं पढ़ रहा है, थ्योरेटिकली नहीं पढ़ रहा है, प्रैक्टिकली भी अपना नॉलेज अप्लाई कर रहा है। He's getting chance to apply his knowledge practically in part number C. Correct? I hope you understood the structure. अब यहां मैं आपके लिए कितनी fantastic चीज लेके आया हूं, कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहां पे ही मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी। सही बता रहा हूं, बहुत ही fantastic चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। और क्या लेके आया हूं, उसका टाइटल देख लो बेटा, क्रॉस स्टडी। अभी मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, व्हाट इज द कोर स्ट्रक्चर ऑफ 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी ऑफ सीबीएसई। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट ऑल टॉपिक्स आर वी गोइंग टू स्टडी, कौन कौन से चैप्टर्स हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस मोर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड आप इंश्योर करो, चेक करो कि क्या ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है या नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, और अगर ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में है तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। और अंशुल सर, श्रेय सर, अखिलेश सर और भी बहुत सारे एजुकेटर्स आने वाले हैं बेटा इस चैनल पे, जो आप लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन लेके आएंगे। नो मोर मैकेनिकल स्टडीज, नाउ कंसेप्चुअली पढ़ना है हमें, कंसेप्चुअली पढ़ना है हमें, बिल्कुल पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। What are the chapters that we have to study? Let us have a look to it. We will study accounting essentials. बिल्कुल शुरुआत होगी अकाउंटिंग की वहां से, छोटी छोटी चीजों पर डिस्कशन होगा, छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन होगा, छोटे छोटे टर्म्स पर डिस्कशन होगा, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो बहुत सारी चीजें देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पे जाते हैं, कैसे जर्नल एंट्री पास होती है, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे ये सब किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। सर ये स्टेट बोर्ड में भी है सर, यस अक्षत मुझे पता है, थैंक यू सो मच फॉर एक्नोलॉजिंग रियली। उसके बाद बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देयर हैव बीन जस्ट डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS। अब ये चीज बहुत सारे बोर्ड्स में नहीं होती है, बहुत सारे बोर्ड्स में ये चीज नहीं है क्योंकि इसका लेवल थोड़ा बेटा हाई है। उसके बाद एक टॉपिक है डेप्रिसिएशन, वो यहां पढ़ना है हमें 11th स्टैंडर्ड में। हमें एक टॉपिक पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। वी हैव टू स्टडी टॉपिक ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वी हैव टू स्टडी टॉपिक ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड लास्ट इज कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। सो अगर मैं पूरे अकाउंटिंग की बात करता हूं ना, 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई अकाउंटिंग की मैं बात करता हूं ना, तो सीबीएसई अकाउंटिंग का सिलेबस ये है आपके सामने, ये है आपके सामने पूरा डिटेल सिलेबस सीबीएसई की अकाउंटिंग का। यू विल फाइंड दैट 80-90% सिलेबस इज कॉमन इन ईच एंड एवरी बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना, अभी ये चैनल जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब अलग अलग बोर्ड से हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ये सिलेबस कॉमन रहेगा, ये सिलेबस एज इट इज रहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो फटाफट मुझे जवाब दो, आप लोग जिस बोर्ड से बिलोंग करते हो, जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, उसका नाम लिखो और लिखो कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉमन सिलेबस, 70%, 75%, 80%, 90%, क्विकली मुझे जवाब दीजिए लाइव चैट। आई एम लुकिंग एट योर लाइव चैट, फटाफट मुझे जवाब दो कि आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हो वो बोर्ड कितना कॉमन है, हाउ मच कॉमन इज दैट बोर्ड। ओके सर, हमें नोट्स भी मिलेंगे क्या? यस, आपको नोट्स मिलेंगे। अंकित जैन, आप आउटडेटेड सवाल पूछ रहे हो बेटा, सीपीटी एग्जाम अब डिसकंटिन्यू हो गई है, सीपीटी एग्जाम डिसकंटिन्यू हो गई बेटा अंकित, आउटडेटेड क्वेश्चन। झारखंड बोर्ड से विकास कुमार, वो कह रहा है 95% सिलेबस कॉमन है। और अक्षत बदाने है स्टेट बोर्ड से, वो कह रहे हैं 80% सिलेबस कॉमन है, फैंटास्टिक। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आदिनाथ मगर, ओके परसेंटेज नहीं लिखा है आदिनाथ जी ने, कोई बात नहीं, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, एनी बोर्ड, द सिलेबस विल बी 70-80% कॉमन। पंजाब स्टेट बोर्ड है शायद, टिंकू पास परस, उन्होंने लिखा है 85% कॉमन है। सरिता यादव कह रहे हैं 80% कॉमन है हमारा सिलेबस सर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं और एक ऐसा एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं
जो कहते हैं ना आपको आज एक सपना देखने पे मजबूर करेगा। बेटा कल का जो मेरा सेशन है ना 7 बजे का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के सेशन में मैं आपको सपने दिखाने वाला हूं। क्या बात कर रहे हो सर, कल का जो सेशन है ना मेरा 7 बजे का, उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया, आप 11th में है, आप 12th में, ठीक है, मैं अब उसके आगे की बात करूंगा, व्हाट आफ्टर 11th और 12th, व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू ओवर देयर, ये सारी चीजों पे हम कल के लेक्चर में बात करेंगे शाम को 7 बजे। मैं आपकी पहले कॉमर्स से सही तरीके से दोस्ती तो करवा दूं, फिर मैं पढ़ाई चालू कराऊंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, बातों ही बातों में ऐसे हम पढ़ लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे टॉप चॉइस क्या होती है, व्हाट इज द टॉप चॉइस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स? सो आंसर होता है प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों ही एग्जाम्स CA, CS और CMA, ये तीनों ही एग्जाम्स का जो एंट्री लेवल होता है, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन लेवल, द फर्स्ट एग्जामिनेशन, इन तीनों लेवल, इन तीनों कोर्सेज की जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होती है ना, उस फर्स्ट एग्जामिनेशन का सिलेबस मैं आपके सामने लेके आया हूं CA फाउंडेशन का, क्योंकि CPT अब चला गया है, CPT इज नो मोर इन टू एग्जिस्टेंस, समझ लेना बच्चों। CA फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिलेबस यहां मैं आपके सामने लेके आया हूं, और आप और मैं साथ में हम इसको करेंगे कंपेयर 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ, और देख लिया जाए कि कितना 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स का सिलेबस हमें काम आने वाला है अगर हम आगे जाके CA करना चाहते हैं तो। हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, तेज ये सवाल पूछ रहा है, तेज आज नहीं कल ये सेशन ही इस पे, मैं उस पे आपका आंसर जरूर दूंगा, करेक्ट। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिलेबस इज कॉमन, व्हाट टॉपिक्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू? एक बार मैं नाम पढ़ लेता हूं फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ CA फाउंडेशन। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग एसेंशियल्स, सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस, थर्ड इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, फोर्थ इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिफ्थ इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिक्स्थ इज इन्वेंटरी वैल्यूएशन, सेवंथ इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, एट्थ इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, नाइन्थ इज एवरेज ड्यू डेट, टेंथ इज अकाउंट करंट, इलेवंथ इज सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, ट्वेल्थ इज consignment account, followed by final accounts, followed by accounting for not for profit organization, then followed by partnership accounts and last company accounts. This is the entire pattern. Arya Gupta पूछ रहे सर when will you start the class? तो बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम किस चीज के लिए मिले हैं, है ना? पढ़ने का तरीका यही है, जो कर रहे हो उसको पहले अच्छे से जान लो, ठीक है? अब one-on-one comparison करेंगे, आपके सामने यहां पे है, these are the topics of 11th, these are the topics of CA, which topics are similar to each other, देखते चलो। Can you compare accounting essential with accounting essential? Can you compare? Quickly respond करो, show me thumbs up if you are comparing, quickly show me thumbs up if you are able to compare accounting essentials with accounting essentials, fantastic। Can you compare accounting process with accounting process? शिवांजलि जी, राइट नाउ श्रेय सर हैव स्टार्टेड विद 12th, आई हैव स्टार्टेड विद 11th, फिर बाद में स्वाइप करेंगे। कैन यू कंपेयर बैंक रिकंसिलेशन विद बैंक रिकंसिलेशन? चेक करो, फटाफट चेक करो, एक्नॉलेज करते चलो, थम्स अप दिखाते चलो, एक्नॉलेज करते चलो। कैन यू कंपेयर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? क्विकली चेक करो, कैन यू कंपेयर दैट आई एम लुकिंग एट योर एक्नॉलेजमेंट्स? फटाफट एक्नॉलेज करते चलो। कैन यू कंपेयर डिस्कशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कितना सेम कंपेरिजन है, पहले 5 टॉपिक तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है। कैन यू कंपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ओवर देयर, देखो नीचे वहां पे, विद CA फाउंडेशन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग? कैन यू फाइंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम 11th में पढ़ेंगे, कैन यू फाइंड दैट इन CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन? यस और नो गाइस, फटाफट जवाब दो, यस You can find, can you find final account? वो देखो नीचे बैठा वहां पे, वो रहा final account, yes दिख रहा है, ये रहा final account. Can you find single entry? नहीं, क्योंकि single entry तो intermediate में पढ़ना है, सीए के next level पे, and computerized accounting के तो बिल्कुल छोटा easy theoretical topic. My goodness, I mean really, sir tell me one thing, honestly मुझे एक चीज बताओ, If I do 11th standard accounts properly, sir, honestly, मुझे बताओ आज, can I become a chartered accountant?
और अ कंपनी सेक्रेटरी? और कैन आई डू माई MBA सक्सेसफुली इफ आई डू माई 11th स्टैंडर्ड प्रॉपरली? बेटा मैं यहां पे कह रहा हूं यस, मेरा जवाब है बिल्कुल हां. इफ यू स्टडी योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड प्रॉपरली कंसेप्चुअली नॉट मैकेनिकली, यू टेंड टू कंप्लीट एटलीस्ट 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ द प्रोफेशनल examinations. और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, डेटा लेके आया हूं आपके सामने, देख लो, कंपेयर कर लो. 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वो बाकी के टॉपिक्स अपने 12th के यहां ढूंढ सकते हैं. पार्टनरशिप अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट्स चेक कर लो, कंपनी अकाउंट्स, ये सब टॉपिक्स आप कहां पढ़ रहे हो? 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो. यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल पढ़ने वाले हो. समझ में आ रहा है? तो यार मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्या है मोटो, क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा ये चैनल लाने का, क्यों हमने अन अकेडमी में 11th 12th लॉन्च किया है? रीजन बहुत सिंपल है. अगर कोई बच्चा मैकेनिकली पढ़ के आता है तो हमें उस पर डबल मेहनत करनी पड़ती है. पहले डी लर्न करवाना पड़ता है, जो भी उसने गलत सिखा ना उसको डी लर्न करवाना पड़ता है, और फिर जो सही होता है उसको रीलर्न करवाना पड़ता है. क्यों ना हमने सोचा, क्यों ना हम उन बच्चों को वहीं से पढ़ाना शुरू करें जहां से वो पहली बार लाइफ में कॉमर्स को पढ़ता है, समझता है, जहां से वो पहली बार लाइफ में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ता है. क्यों ना हम वहां से बच्चे को टैप करें? क्योंकि आपको पता है हमारा क्या मानना है. हमारा मानना यह है कि दोस्तों, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ ब्राइट करियर और अ ब्राइट फ्यूचर, योर फाउंडेशन और योर बेसिक नीड्स टू बी रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आप चाहते हो कि आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ही सक्सेसफुल हो, तो आपको उसके लिए अपने फाउंडेशन, अपने बेसिक्स को मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. और ये फाउंडेशन और बेसिक्स अभी ही हम कर सकते हैं, हम उसको स्ट्रॉन्ग अभी ही कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते. आज मैं आपको कन्फेस कर रहा हूं, सबके सामने मैं कन्फेस कर रहा हूं, आई एम नॉट सो गुड इन मैथमेटिक्स. I really don't like mathematics. To be very honest, I don't like mathematics. But at times, I feel, why I don't like mathematics? ये नफरत क्यों है mathematics के लिए? Reason बहुत simple है, क्योंकि बचपन से कभी वो connect बनाई नहीं. कुछ मेरी गलती रही होगी, कुछ पढ़ाने वालों की गलती रही होगी, but कभी वो connect बनाई नहीं, कभी वो link create ही नहीं हुआ, बिल्कुल create नहीं हुआ. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये रिग्रेट अब नहीं होना चाहिए लाइफ में. ऐसा ना हो 5 साल बाद जाके कहें, यार अकाउंटिंग के साथ कभी वो कनेक्ट बना ही नहीं, कभी वो केमिस्ट्री जमी नहीं हमारी, ऐसे नहीं हो. क्यों ना हम आज से उसको काम करें, क्योंकि आप आगे जाके लाइफ में कुछ भी क्यों ना करें, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी क्यों ना करें, अपनी फैक्ट्री तक चला रहे हैं, आप एक चीज समझिएगा, बेसिक अकाउंटिंग सबको आनी चाहिए. क्योंकि अकाउंटिंग मतलब कुछ और नहीं होता है, हिसाब किताब होता है. अरे एक दूध वाला, एक सब्जी वाला, एक न्यूज़पेपर वाला, एक काम वाली बाई भी अपना हिसाब रखती है. क्योंकि हिसाब का मतलब क्या है? कितना आया और कितना गया. दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल माई डियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव अ वेरी ब्राइट career and future. So with this message, I, your host and your dost Anshul Agrawal, I'm signing out of this video today. मुझे लगता है कि आज का हमारा session बहुत ही मजेदार रहा होगा. You would have certainly get lot of information. बहुत सारी information आपको यहाँ आज के session से मिली होगी. Thanks all of you for your love and affection shower to me, to my channel. अगर आप चाहें तो मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं. Instagram पे simply जाइए और search कीजिए IMCACS Anshul. प्लीज भूलिएगा मत हमारे उस चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि कुछ ही दिनों बाद आपका पता होने वाला है. रेगुलरली बेटा इस चैनल पे, जब तक 15th अगस्त नहीं आता, हम पढ़ाना बंद नहीं करेंगे. इस चैनल पे रेगुलरली आते रहेंगे और आप लोगों को हम कंसेप्चुअली पढ़ाते रहेंगे. कल का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके कोई भी सवाल है, कोई भी करियर को लेके, तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि कल मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स. और परसों से हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की. तो मेरा समय यहां पे ऊपर लिखा है, भूलिएगा मत. मैं आपसे मिलूंगा हर रोज शाम को 7 बजे. सो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, जिसको कह के मैं आज का अपना ये
क्लास खत्म करूंगा, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद, करेक्ट। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, गुड नाइट, शब्बा खैर।